गियर अप के आज के इस एपिसोड में हम किसी कार या बाइक का रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे दो ऐसी कारों की जो अगले महीने यानी मई में भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली हैं। इनमें एक कार है टोयोटा यारिस और दूसरी है होंडा अमेज, जिसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल की बुकिंग शुरू कर दी गई है। टोयोटा यारिस एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, जबकि होंडा अमेज के नए अवतार को नेक्स्ट जेन मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाएगा। दोनों ही कारों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। टोयोटा यारिस को 50,000 रुपए में बुक किया जा सकता है, वहीं नेक्स्ट जेन होंडा अमेज को 11,000 रुपए में बुक किया जा सकता है। अब एक नजर इन कारों के स्पेसिफिकेशन पर। टोयोटा यारिस सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसकी कीमतों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कार की डिलीवरी मई से शुरू होगी। टोयोटा यारिस के बेस जे ट्रिम की एक शोरूम कीमत 8,75,000 रुपए रखी गई है। वहीं इसके टॉप एंड वीएक्स ट्रिम की एक शोरूम कीमत 14,07,000 रुपए रखी गई है। यारिस में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 108 bhp का पावर और 140 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्टेप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। टोयोटा यारिस में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। इनमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रूफ माउंटेड रियर एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर ड्राइवर सीट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और कार के टॉप एंड वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। वहीं होंडा अमेज के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है। इस कार को पहली बार साल 2013 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब ये कार एक नए अवतार में आ रही है। नेक्स्ट जनरेशन होंडा अमेज को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन होंडा अमेज के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। कार के पेट्रोल वर्जन में 1.2 लीटर इंजन लगा होगा, जो 87 bhp का पावर देता है। वहीं इसके डीजल वर्जन में नया 1.5 लीटर डीजल इंजन लगाया जाएगा, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी लॉन्च के वक्त ही मिल पाएगी। कार में 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया जाएगा। गियर अप के अगले एपिसोड में हम एक बार फिर लेकर आएंगे आपके लिए कुछ खास। तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।